अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सारशा होस्ट आपका प्राइम स्पोर्ट्स के ऊपर है। सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है स्पार्टन वर्सेस दमयाल सेंटर के दरमियान। स्पार्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मुकर 20 ओवर के अख्ताम के ऊपर 182 रन का टारगेट दिया हुआ है। मेरे पास कैप्टन मौजूद है अदनान दमयाल सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम अदनान भी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदनान भी। अदनान भी, स्पार्टन ने एक अच्छा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा दिया, 182 बड़ा टारगेट है ये। जी बिल्कुल, स्पार्टन ने काफ़ी अच्छा खेला है और 182 बिग टोटल है, लेकिन चूंकि बैटिंग विकेट है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द चेस करें, क्योंकि बैटिंग विकेट है और हमारी अटैकिंग आज हम क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। तो आपकी शुरू में बड़े अच्छा इमरान ने बॉल किया और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट हासिल करने में कामयाब हुए असद की, और उसके बाद कम बैक बॉलर्स की जानब से कुछ नहीं हुआ, क्या मतलब है कि विकेट इजी था या उन्होंने खेला अच्छा? नहीं, विकेट भी इजी था, और दूसरा हमारी फील्डिंग की ज़्यादा कोलैप्स थी। बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की है, जहाँ पर एक बनता था वहाँ पर दो रन दिए, कुछ जो है ना चौके हमसे जो है वो बीट हुए, हमने चौके दिए, तो इसी तरह आज फील्डिंग में ज़्यादा कोलैप्स थी, बाकी बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की। डेफिनेटली, क्योंकि आज फील्डिंग आपकी बहुत ज़्यादा पुअर थी बनिस्बत प्रीवियस मैच के निस्बत, आज आपकी बॉलिंग अच्छी थी, उन्होंने भी खेला अच्छा, बीच में क्लैप्स जो मिस फील्डिंग के हुए और डेफिनेटली उसका आपको नुकसान उठाना पड़ा। आप 182 में भी इस वक्त आपकी पोजीशन जो है बैट्समैन की, इस वक्त कौन इस वक्त मूड में मौजूद है कि आप समझते हैं कि वो इतना अग्रेसिव खेलेगा कि 182 टारगेट चेज होगा, ये चेस करना है आपने, सेमीफाइनल भी है, प्रेशर भी है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, हमारे पास साजिद एक अच्छा हीटर है, जवाद शाह हीटर है, तो और हमारे पास लंबा खेलने वाले, मैं खुद अच्छा खेल लेता हूँ, साथ में हमारे पास रियाज खान है, उस्मान है, हमारी इंशाल्लाह बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है, लेकिन अब देखते हैं शुरू से अगर हमारा सर्कल अच्छा लग गया तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट कि हम इंशाल्लाह चेस पे। क्योंकि आपको आपको कम अज़ कम ओपनिंग के 5 से 7 ओवर जो है ना वो अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जिसमें 50 से 60 रन बगैर किसी नुकसान के अगर आप हासिल करते हैं तो डेफिनेटली बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा आप दोनों के। जी बिल्कुल, हमारे भी कोशिश भी यही है, पहला जो सर्कल है 6 ओवर का उसके अंदर मैक्सिमम स्कोर हम जो है ना उसको लें, तो अगर हमारा सर्कल अच्छा लग गया और हमारे विकटें ना गई तो इंशाल्लाह ये टोटल इंशाल्लाह चेजेबल है ईजिली। तो आप ये स्पार्टन प्रीमियर लीग का फर्स्ट एडिशन जो सेमीफाइनल खेला जा रहा है, आज बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से, उनके बारे में कुछ वर्ड कहना चाहेंगे आप? स्पार्टन प्रीमियर लीग फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफ़ी मतलब जो है काफ़ी अच्छा ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी टीमें हैं, सख्त टीमें आई हैं, अच्छी क्रिकेट हो रही है और होप फॉर द बेस्ट और इनके लिए गुड लक फॉर सेकेंड एडिशन। जी थैंक यू वेरी मच जी। जी भी और मेरे साथ मौजूद थे कैप्टन दमयाल थंडर्स के, उनका कहना यही है कि 182 रन का टारगेट, अगर हम आज अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, अटैकिंग क्रिकेट के अंदर हमारी कोशिश यही होगी कि ऊपर के 5-7 ओवर्स के अंदर अच्छे रन हासिल कर लेंगे, अगर वो अच्छे रन हासिल करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली ये 182 रन का टारगेट हम इजिली चेस कर सकते हैं। देखिए आने वाला वक्त साबित करेगा कि आज का मैच कौन विन करेगा, जो आज का मैच विन करेगा वो कल के लिए फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, जबकि एक फाइनलिस्ट टीम वेस्टर्न बॉयज इस वक्त पहुँच चुकी हुई है, कल रफी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर फाइनल मैच खेला जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।